एक बार एक व्यापारी सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकलता है किसी काम के लिए। जैसे वो घर से थोड़ी आगे जाता है, होता है क्या, एक बिल्ली उसका रास्ता काट जाती है। वो व्यापारी घबरा जाता और अपने घर वापस आ जाता और एक शुभ घड़ी का, शुभ मुहूर्त का वेट करने लगता है। थोड़ी देर बाद दोबारा वो अपने घर से बाहर निकलता है, लेकिन होता क्या, जिस वाहन ने उसको राजा के पास लेके जाना था वो वाहन कब का जा चुका होता है, जिस कारण होता क्या, वो राजा के पास समय पर पहुंच नहीं पाता। राजा के पास समय पर ना पहुंचने के कारण राजा को उसकी भेंट मिल नहीं पाती। राजा बहुत गुस्से होता है, राजा उस व्यापारी का व्यापार बंद करा देता है। वो व्यापारी बहुत गुस्सा होता है, नाराज होता है, वो क्या करता है, घर आकर अपना सारा गुस्सा अपनी पत्नी पर निकालता है। पत्नी नाराज होकर अपने बच्चे को मायके ले जाती है और खुद भी मायके चली जाती है। अब उस व्यापारी की ज़िंदगी में अगर कुछ बचा था तो केवल अंधकार, और वो इन सारी चीज़ों का जिम्मेवार उस बिल्ली को मानता है जो बिल्ली उसका रास्ता काट गई थी। वहीं दूसरी तरफ एक व्यापारी सुबह सुबह घर से बाहर निकलता और उसका भी रास्ता एक बिल्ली काट जाती है, लेकिन व्यापारी कोई रिएक्ट नहीं करता, वो चुपचाप अपने काम की तरफ आगे बढ़ता, जिससे होता है कि वो राजा के पास सही समय पर पहुंचता है। राजा को उसकी भेंट मिलती है, राजा बहुत खुश होता है, राजा उस व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति देता है और उसको कुछ गोल्ड, कुछ स्वर्ण आभूषण देता है। दूसरा व्यापारी बहुत खुश होता है, घर आता अपनी पत्नी को ज्वेलरी आभूषण देता है और अपने बच्चों को कपड़े देता है, और दूसरे व्यापारी के जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। तो देखा आपने कैसे दो अलग व्यापारी, लेकिन दोनों के जीवन में एक सेम घटना घटती है कि एक बिल्ली रास्ता काटती, लेकिन दोनों ने अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड किया। तो लेसन यहाँ पे यही है, मैसेज यही है कि जीवन में डेस्टिनी का, भाग्य का अलग रोल है, लेकिन किसी कोई प्रॉब्लम आने पे हम रिस्पॉन्ड किस तरह करते हैं ये बहुत मैटर करता है। इसलिए अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को हमेशा पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक रखिए, तो आपको फल भी, नतीजे भी, रिजल्ट भी हमेशा सकारात्मक मिलेंगे। बहुत गहरी बात है, ज़रूर सोचिएगा। थैंक यू।